नमस्कार सभी साथियों, आज हम बात करना चाह रहे हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इससे पहले हम अनुच्छेद 28 तक जिक्र कर चुके हैं, तो इसमें अनुच्छेद जो ये वाला जो मूल अधिकार है, हमें पता है भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 हैं, एक हटा दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार है जिसका जिक्र आर्टिकल 31 में करते थे पहले। तो अभी हमें आर्टिकल 29 और 30 को पढ़ना है। तो इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की हम बात कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि ये किसकी संस्कृति की बात हो रही है और किसकी शिक्षा की बात हो रही है। हमने धार्मिक शिक्षा की बात पहले कर ली है, हमने आर्टिकल 21 ए में वैसे हमने शिक्षा की बात कर ली, शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात कर ली है जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब ये किसकी शिक्षा किसकी संस्कृति की बात हो रही है, तो आपको बताता हूं मैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए हमने ये दो आर्टिकल जो है संविधान में जोड़े हुए हैं, इन्हीं की हम लोगों को चर्चा करनी है। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मूलत है, आप कहोगे कि अल्प और संख्यक, अल्प अर्थात कम, संख्यक अर्थात जो कम संख्या में है, अर्थात ऐसे लोग जो कि कम संख्या में है। लेकिन किस आधार पे कम संख्या में है, ठीक है, दो आधार की हम मेनली बात करेंगे। एक भाषा के आधार पर कम संख्या में है और एक धर्म के आधार पर कम संख्या में है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको विशेषता बतानी चाहूंगा कि जो अल्पसंख्यक जो शब्द है, वास्तव में उस सब अल्पसंख्यक शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे कि आपने आर्टिकल 366 आपने पढ़ा होगा या आपने आर्टिकल 366 के बारे में सुना होगा कि आर्टिकल 366 में बहुत सारे शब्दों को परिभाषित किया हुआ है, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो राज्य हो, ऐसे करके। लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को आर्टिकल 366 में भी परिभाषित नहीं किया हुआ है, तो इसकी परिभाषा का अंदाजा कैसे लगाएंगे? जानना तो जरूरी है कि भाई अल्पसंख्यक जो शब्द हमने बोला है वो किस आधार पे है। तो आपको एक चीज की नजर ये होनी चाहिए कि जो अल्पसंख्यक का आधार है अल्पसंख्यक समुदाय को बनाने का, वो एक भाषा का आधार है और एक आपका धर्म का आधार है, एक धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसके? अल्पसंख्यकों के लिए। लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना। तो हमने जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अर्थात धार्मिक संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार जोड़े हैं आर्टिकल 29 और 30 में, वो क्यों जोड़े हैं? ताकि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सके, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ही रक्षा क्यों करें? वो इसलिए क्योंकि उनकी भाषा और उनके धर्म के आधार पर उन लोगों की संख्या कम है, तो कहीं समय के बढ़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि, जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, उस समय के साथ साथ खो ना जाए, ताकि उन लोगों का भी वजूद बना रहे, इसलिए हम उनको संरक्षण देना चाह रहे हैं। आप कहोगे कि क्यों जरूरी है ये? आपको बताता हूं मैं। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय जो कुछ सदस्य जो थे, वो जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसी समय पे, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में अलग हो गया, भारत अलग रह गया। तो कुछ मुस्लिम, विशेषतः मैं मुस्लिम नाम यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय का जो बड़ा जो एक तबका है वो मुस्लिम समुदाय से आता है, तो कुछ मुस्लिम सदस्य यहीं रह गए थे। और कुछ मुस्लिम सदस्य क्या, मैंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिमों की आबादी भारत में ही रह गई थी, उन्होंने कहा था कि भारत हमारी जन्मभूमि है, हम अपनी जन्मभूमि को छोड़कर के पाकिस्तान जैसे किसी नए देश में नहीं जाएंगे। तो जिस समय उन लोगों का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे थे, अर्थात संविधान सभा में जो लोग मुस्लिम समुदाय की तरफ से आए हुए थे, तो उनको ये खतरा महसूस हुआ कि हम हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रह तो गए हैं, कहीं हमारी संस्कृति, कहीं हमारी भाषा समय के साथ साथ खो न जाए। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उस समय
अपनी दूरगामी सोच का परिचय देते हुए उन्होंने ये दो आर्टिकल जोड़े। उन्होंने कहा कि आप लोग इतने विश्वास इतने भरोसे के साथ यहाँ रुके हो, भारत को आपने अपना माना है और है भी उनका, तो आपको हम आर्टिकल संविधान में लिख करके लिखित में आपको ये गारंटी देते हैं कि हम आपके भाषा का, आपकी संस्कृति का, आपकी लिपि का हम संरक्षण करेंगे। और करेगा कौन? संविधान, क्योंकि हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। बात क्लियर हुई आपको? आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क बना कि हमने ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्यों पढ़ना है? क्लियर है बात? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। देखिए अल्पसंख्यक जो शब्द है ये हम किसके अधिकारों की बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों के। मैंने साफ शब्दों में यह लिखा है संविधान में कहीं भी यह सब परिभाषित नहीं है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 366 में बहुत सारे परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन आर्टिकल 365 में जो अल्पसंख्यक है वो नहीं है। बात कह रहे अभी तो कैसे हमने अंदाजा लगाया, हमने कैसे इस बात को मान्यता दी कि अल्पसंख्यक कौन होंगे और अल्पसंख्यक कौन नहीं होंगे? तो जो समय समय पर बहुत सारे ऐसे निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के पास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास में, उन निर्णयों के आधार पर हमने ये अंदाजा लगाया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। कहने का तात्पर्य कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कई सारे केसों का अध्ययन किया और उन केसों में जो निर्णय आए उससे निकल करके हमने ये तय किया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। क्या परिभाषा सामने आई? परिभाषा सामने ये आ रही है कि जहाँ हमारे देश की कुल जनसंख्या का अगर 50% से कम जनसंख्या वाले धर्म के लोग हैं, चाहे वो धर्म के लोग हैं चाहे वो भाषाई लोग हैं, ठीक है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो सकते हैं, तो उनको हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। कि अर्थात देश की कुल जनसंख्या, मान के चलो हमारे देश में कुल 100 लोग रहते हैं, ठीक है, उन 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, 60 लोग तो एक समुदाय से हैं, बाकी 40 लोग एक समुदाय से हैं, ठीक है। तो जो 40 लोग हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 50% से कम हो गया, 100 में से 40 है तो 40% हुए, तो हम उनको अल्पसंख्यक मानेंगे, ठीक है, क्योंकि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर वो लोग क्या है? अल्पसंख्यक है। तो ये जो निर्धारण होगा देश की कुल जनसंख्या के आधार पर होगा। इसका भी मैं एक आपको तथ्य बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की है, तो इस हिसाब से तो वहाँ जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं। जम्मू कश्मीर के जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक, वो कम संख्या में हैं। ऐसे पूर्वोत्तर के कई राज्य, चाहे वो मणिपुर का एग्जांपल लो, ठीक है, किसी भी राज्य का जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू बहुत कम है, मुस्लिम जो है वो ज़्यादा आबादी में, तो वहाँ तो हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन फिर भी उन हिंदुओं को अल्पसंख्यक वाले जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो विशेषाधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने राज्य की जनसंख्या के आधार पर ये आंकड़ा नहीं निकाला है कि अल्पसंख्यक कौन होगा, हमने ओवरऑल देश की जनसंख्या के आधार पर हमने कहा है कि देश की जनसंख्या अगर 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ टोटल जनसंख्या है, उसमें से मान के चलो 50 करोड़ जो है हिंदू है, या मैं कहूँ 51 करोड़ हिंदू है, तो 50% से ज़्यादा हुए तो वो बहुसंख्यक हैं। अब जिनकी संख्या भी 50% से कम है, चाहे वो 40 करोड़ हैं चाहे वो 20 करोड़ हैं, तो वो क्या? अल्पसंख्यक होंगे। कैसे निर्णय किया है हमने? देश की कुल जनसंख्या के आधार पर हमने निर्णय किया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो दो आर्टिकल हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। एक हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और एक हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आर्टिकल 29 से, इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 29 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है इसका उद्देश्य केवल इतना है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, अल्पसंख्यकों की भलाई करना, उनके हितों का संरक्षण करना। आप कहोगे कैसे उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा? अल्पसंख्यक लोगों की भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनको संरक्षण प्रदान करना, तो उनको आधार पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई अपनी भाषा उर्दू भाषा बता रहा है, ठीक है, अगर कोई अपनी संस्कृति मुस्लिमों के हिसाब से बता, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आर्टिकल 29 ये बात कहता है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो भाषा के आधार पर होगा, ना संस्कृति के आधार पर, ना लिपि के आधार पर। आप कहोगे क्या यहाँ धर्म के आधार पर बात हो रही? नहीं, आर्टिकल 15 में धर्म के ऊपर बात हो रही है।
पढ़ाया था आर्टिकल 15 में लिखा होता है कि धर्म के आधार पर किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। यहाँ भाषा लिपि संस्कृति के आधार भेदभाव भी नहीं होगा और उनका संरक्षण भी करेंगे, हम उनको बचा के रखेंगे, उनके उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, ठीक है, जब उनकी भाषा की रक्षा करेंगे, उनकी लिपि की, उनकी संस्कृति की। तो कहने का मतलब किसकी किसके हितों का संरक्षण या किसकी रक्षा हो रही है, अल्पसंख्यकों की भाषा का। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के एक हो गए भाषा का हम संरक्षण कर रहे हैं, दूसरी बात हम उनकी लिपि का, तीसरी बात हम उनकी संस्कृति का, ठीक है। ये आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है, बात क्लियर हुई। आर्टिकल 30 क्या कहता है आप इसको भी जान लीजिए क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक जो है, आपने आर्टिकल 29 में ये तो कह दिया कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनका संरक्षण कैसे हो? तो शिक्षा से बड़ा मेरे हिसाब से कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। हम उनकी भाषा में उनको शिक्षा देना चाहिए, हम उनकी रीति रिवाजों को शिक्षा के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे, हम उनकी लिपि का संरक्षण शिक्षा के माध्यम से करेंगे। तो शिक्षा कैसे आए, शिक्षण संस्थानों से आएगी, ठीक है, चाहे कॉलेज स्थापित करो, चाहे आप यूनिवर्सिटी खोलो, चाहे आप उनके लिए मदरसे खोलो, स्कूल विद्यालय जो भी कुछ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान की बात हुई कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को बचाने के लिए वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। भाषा में शिक्षण संस्थान, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ठीक है, और उनका प्रबंधन, उनको खुद मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे कि मदरसा, ठीक है। तो मदरसे में क्या है, उर्दू की पढ़ाई होती है, ठीक है, मुख्यतः जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ उर्दू की पढ़ाई हो रही है, उर्दू भाषा में पढ़ाई जा रही है। हालांकि वक्त अब बदल रहा है, ना केवल उर्दू, अन्य भाषाओं में भी उनको ज्ञान दिया जा रहा है, उनको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका प्रबंधन करने का भी उस धर्म के लोग को अधिकार है, अल्पसंख्यकों को उन शिक्षण संस्थानों को खोलने का, उनकी स्थापना करने का भी उनको अधिकार है। क्यों है, ताकि वे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को वो लोग बचा सकें। भाषा में तो अब आपके मन में एक विचार ये आया होगा कि यहाँ आप धार्मिक शिक्षा देने की बात कर रहे हो, यहाँ आर्टिकल 30 में हम धर्म के आधार पर तो शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, धार्मिक शिक्षा देने की बात कर रहे हो, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हमने आर्टिकल 27 में पढ़ा था, ध्यान आया आपको, आर्टिकल 28 में ये पढ़ा था कि राज्य वो भी किसी भी हालत में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन आर्टिकल 30 में तो आप साफ साफ कह रहे हो, ये क्या हुआ? ये इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को हम विशेष अधिकार, उन्हें विशेष छूट दे रहे हैं, ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार है, ठीक है, इसलिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो कर सकते हैं, ऐसा धार्मिक शिक्षा वो दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए अपनी संस्कृति, समय के साथ उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि खो न जाए, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। एक बात और, 2009 में RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया था, और इसमें ये कहा गया था कि राज्य में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल के अंदर बेसिकली, क्योंकि ये राइट RTE जो है वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इसमें ये कहा गया था कि 25% जो सीट है वो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए देना पड़ेगा। वीकर सेक्शन जो समाज के दुर्बल जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए। तो ये जितने भी स्कूल थे सभी में 25% जो सीट है प्राइवेट स्कूल में वो उनको रिजर्व रखनी पड़ती है, लेकिन मदरसों में ऐसा नहीं है, 25% वो रिजर्व नहीं रखते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये उनका एक विशेष अधिकार है, ठीक है, वो अगर 25% सीट गरीब बच्चों के लिए नहीं भी रख रहे तो उनका ये विशेष अधिकार है। तो कहने का तात्पर्य आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। क्लियर बात, ये था आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसकी, अब आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार कौन सा है, तो आप कहोगे कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही समर्पित किया हुआ है। बात समझ आ गई आपको, ये था आपका ये वाला पॉइंट।